है विंध्या टेली। अनिल जी, कंपनी वायर्स और केबल्स के मैन्युफैक्चरिंग के कारोबार में है, टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ी हुई वायर्स केबल्स से रिलेटेड और इस सेक्टर में जितनी भी जुड़ी मैन्युफैक्चरिंग है उसके बिजनेस में ये काम करती है। 1400 करोड़ का लगभग मार्केट कैपिटलाइजेशन है अनिल जी, और यहाँ पर बहुत ही शानदार वीकली चार्ट्स पर कल के सेशन में एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट देखने को मिला है। लगभग 4 हफ्तों से स्टॉक एक कंसोलिडेशन दिखा रहा था अनिल जी, एक अपनी नेक लाइन के पास और 200 वीक मूविंग एवरेजेस के आसपास यहाँ पर एक बड़ा कंसोलिडेशन स्टॉक ने दिखाया, और उसके बाद बहुत ही स्ट्रांग वॉल्यूम के साथ कल यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आया है। अनिल जी, मेरा ऐसा मानना है कि पोजिशनल तौर से 6 से 8 मंथ के नजरिए से इस स्टॉक में जरूर खरीदारी करके चलें। 1220 1225 रुपए के अनिल जी करंट भाव हैं, 1200 रुपए तक कोई भी गिरावट मिलती है स्टॉक में ऐड करा पोजीशंस ऐड की जा सकती हैं, और मुझे लगता है स्टॉक में 1500 से 1550 रुपए तक के बड़े लक्ष्य आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकते हैं। 1150 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ विंध्या टैली मेरी तरफ से अनिल जी आज एक लॉन्ग टर्म पिक रहेगी। यह है इंडियन होटल्स जो कि अभी 142 143 के लेवल पे ट्रेड करता है। इस स्टॉक को मैंने जब लॉकडाउन के पूरे पूरे आसार थे 26 अप्रैल को जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे उस समय पे भी SPL मिड कैप सेगमेंट में एज ए लॉन्ग टर्म पिक 106 के लेवल्स पे रिकमेंड करा था, टारगेट था 175 का, तो अभी वो 106 से 143 के लेवल पे आ गया स्टॉक। इस स्टॉक को पिक करने के पीछे कई रीजंस हैं। एक तो भारत की सबसे बड़ी होटल कंपनी है जिसके 200 से ज्यादा होटल्स हैं, करीबन 12 कंट्रीज में प्रेजेंट है, 100 लोकेशंस पे प्रेजेंट है ये कंपनी, और इनके जो दो होटल्स हैं वो तो दुनिया के टॉप 10 होटल्स में आते हैं, जैसे ताज लेक पैलेस उदयपुर, रामबाग पैलेस जयपुर, और बाकी कई आइकॉनिक प्रॉपर्टीज है जैसे ताजमहल होटल है मुंबई का। फिर जिस तरह से हम नॉर्मलसी की ओर बढ़ रहे हैं अनलॉक के बाद, तो अब ये जो एक रिवेंज टूरिज्म की जो बातें होती है तो उसका एक बड़ा फायदा होटल सेक्टर को होना है, और उसमें ये एक दिग्गज कंपनी है जिसके कई प्रोमिनेंट होटल्स हॉलीडे डेस्टिनेशन लाइक मसूरी है, शिमला है, गोवा है, मालदीव्स है, इन सब में है, तो मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से अच्छा करना चाहिए। दूसरा, फंडामेंटली एक सॉलिड कंपनी है, और इतना सब होने के बाद भारत की सबसे बड़ी होटल कंपनी होने के बावजूद सिर्फ 17,000 करोड़ के मार्केट कैप पे ये स्टॉक अभी अवेलेबल है, जो कि बहुत ही डीपली अंडरवैल्यूड लगता है। टाटा ग्रुप की कंपनी है और उन्होंने भी पिछले साल भर में अपनी स्टेक इसमें बढ़ाई है, जैसे उन्होंने टाटा केमिकल्स या टाटा पावर इन सब में अपनी स्टेक बढ़ाई थी, और उसके बाद हमने देखा स्टॉक कमाल करते हुए नजर आए, तो मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे भी खरीदना चाहिए। मेरा इसमें लॉन्ग टर्म का 200 रुपए का टारगेट है 9 से 12 महीने में।